9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9, 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 18। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार, रियासना आपके साथ है। 9 का मैं टेबल आपको बता रही थी और आपने समझ लिया होगा मैं क्या बात करने जा रही हूँ। वैसे मैं बात करने जा रही हूँ गणित की, और गणित अपने आप में ही गणित है भाई। मतलब कि बिहारियों का नाम जो गणित से जुड़ता है, लोग कहते हैं कि बिहारियों के गणित काफ़ी अच्छे होते हैं, और ये बात सच है। और इस बात को प्रूफ किया है हमारे बिहार की एक टीचर ने, जो एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है, और उनका वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर छा गया है। टीचर्स ऑफ बिहार नामक फेसबुक पेज पर यह वीडियो अपलोड हुआ था, और वो वीडियो में क्या था ये आप खुद देख लीजिए। उस वीडियो में बिल्कुल अलग अंदाज में वो पढ़ा रही हैं, और जिस तरीके से वो 9 का टेबल बच्चों को दिखा रही हैं, सिखा रही हैं, वो वाकई सराहनीय है। वो वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। देखो तो ये हाथ में कितनी उंगली है, देखो तो 5। इस हाथ में 5 उंगलियां हैं और इसमें 5, टोटल 10 उंगलियां हैं ना। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब में लिखा हुआ भी है, हम इसमें लिख दिए हैं। दूर से अगर नहीं भी दिखाई दे तो गिनती तो कर सकते हो तुम लोग, है ना। ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7, 8, 9, 10 तो 9 से हम गुना करेंगे इसमें लिखे हुए किसी भी अंक से। 9 को गुना करना है तो तुम लोगों ने पहले कहा है 9 को गुना करना है 4 से, नहीं तो देखो कितना हाथ ही हमारा कैलकुलेटर है, गुना करने की जरूरत ही नहीं है और गुना हो जाएगा। तो चौथा उंगली कौन सा है, 1, 2, 3, 4, ये है 4। चौथा उंगली को हम पकड़ लेंगे क्योंकि 9 को गुना 4 से करना है, तो चौथा उंगली को हम पकड़ लेंगे। तो 4 के पहले कितना उंगली है देखो तो 3 लिख दो, और इसके बाद कितना उंगली है टोटल 6 हो गया गुना। भारी है, हल्का है ना। अब 9 को गुना करना है 5 से, पांचवा उंगली पकड़ लो। 5 के इधर कितना है 4, और 5 के उधर कितना है 5। बस हो गया गुना, मजा आ रहा है। अब 9 को गुना करना है 9 से, 9 वाला उंगली पकड़ लेंगे। 9 के इधर कितना है 1 है, बात करते हैं तो हमें अपने टीचर्स की याद आती है कि जिस मेथड से हमारे टीचर्स हमें गणित पढ़ाया करते थे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, वर्ड मास थियरी हो, या फिर बाकी सारे मैथमेटिक्स की फॉर्मूलाज और बाकी एडिक्शन सब्ट्रैक्शन जो सब लोग जानते हैं। हर टीचर का एक अलग अंदाज होता है, हर शिक्षक अपने आप में एक भगवान होते हैं जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। और ये जो तरीका, ये जो अंदाज रूबी कुमारी जी का आया है सामने, वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में, काफ़ी अलग अंदाज से वो पढ़ा रही हैं। वो वीडियो इतने दूर तक फैला कि वो शाहरुख खान तक पहुंच गया, और शाहरुख खान ने भी इस वीडियो को रीट्वीट किया है और उन्हें सराहा है कि वाकई ये टेक्निक काफ़ी अच्छा है और अट्रैक्टिव है और बच्चे इसे सीखेंगे। वहीं जो इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है और उन्हें सराहा है, और उन्होंने रूबी कुमारी को सराहा है। बहुत ही अलग अंदाज में ये वीडियो था, अलग अंदाज में वो पढ़ा रही थी, और हर शिक्षक अपने अंदाज के होते हैं। और ये वीडियो काफ़ी जगह वायरल हो चुका है, आप देख सकते हैं वो वीडियो स्क्रीन पर। रूबी कुमारी ने शाहरुख खान और आनंद महिंद्रा जी को थैंक यू भी बोला है, और वो कह रही हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख खान जी का और आनंद महिंद्रा जी का। आप देख सकते हैं ये वीडियो। मैं एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका हूँ, मैं रोज अपने विद्यालय में नवाचार के माध्यम से और गतिविधि आधारित शिक्षण प्रदान करती हूँ बच्चों को। मैं धन्यवाद करती हूँ सुपरस्टार शाहरुख खान का और आनंद महिंद्रा जी का, जिन्होंने आज ट्विटर पे मेरा वीडियो शेयर भी किया और बहुत पसंद किया। मुझे बहुत खुशी हुई यह जानकर कि मुझे पूरा इंडिया देख रहा है, मेरे नवाचार को पूरा इंडिया देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद टीचर्स ऑफ बिहार द चेंज मेकर्स, जिन्होंने मुझे अपने नवाचार को शेयर करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान किया है।
बहुत बहुत धन्यवाद टीओबी। मैं आशा करती हूँ कि पूरे बिहार ही नहीं पूरे इंडिया के सरकारी स्कूल के बच्चे नवाचार के माध्यम से गतिविधियां आधारित शिक्षण बिना बस्ते के बोझ के प्राप्त कर सके। ऐसे ही और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग जानकारियां, बिहार से जुड़ी हर खबर मैं आपको देती रहूंगी। HS बिहार के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको तुरंत अपडेट चाहिए तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।